Yes. आखिर कब तक तुम अपने पापा के आंचल में छुप कर बैठे रहोगे ऋतिक? सॉरी, आंचल नहीं, कमीज के पीछे। कभी न कभी तो तुम्हें बाहर आना ही होगा। क्यों ऋतिक, आना पड़ेगा ना, कभी तो कुछ हटकर करना ही होगा। कब तक तुम्हारे पापा राकेश रोशन तुम्हारे लिए फिल्में बनाते रहेंगे? टीवी पे डांस वांस करके क्या होगा जब तक फिल्मों में दम नहीं होगा? अब बताइए ऋतिक भी हमारी इस इनकार की कैटेगरी में पड़ते हैं। भाई वाह, इन्होंने क्या इनकार कर दिया ये तो सुन लीजिए आप। पहले इन्हें भी कुछ ऑफर्स आए थे पहले, जिन्हें इन्होंने ठुकरा दिया। शायद इन्हें अपनी उस पे यकीन ही नहीं था। उस पे यार, उस पे। हाँ, सही समझे आप, कैपेबिलिटीज पे। तो खबरों के मुताबिक इन्हें ऑफर की गई थी बंटी और बबली, स्वदेश, रंग दे बसंती, दिल चाहता है। वही तेरी ही, ये फिल्म जिन्हें ऑफर हुई थी पहले। इमेजिन कीजिए, अगर ऋतिक बंटी और बबली में होते तो चोरी हर बार पकड़ी जाती, उनके एक्स्ट्रा अंगूठी से उन्हें ढूंढने में आसानी होती और फिल्म का नाम होता डिग्गू और बबली। और अगर कहीं ऋतिक दिल चाहता है करते तो फिर तो फिल्म का एंड ही नहीं होता। शादी के बाद भी उनका दिल और लड़कियों को देखकर गुलाटियां मारता रहता और फिल्म का नाम होता दिल चाहता है बार बार। ऊप्स, बार बार। लेकिन बिड़ो, जो भी है, इन फिल्मों के हिट होते ही ऋतिक की जली तो खूब होगी। आंखें यार, इनकी खबरें देख देख कर। इसलिए तो कहते हैं तोल मोल के बोल और इनकार करने से पहले हजार बार सोच। सो ऋतिक रोशन एट नंबर 7।